नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने यहां पर पाकिस्तान की पीओके में घुसकर आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया था और जिसको लेकर लगातार भारतीय सेना का और साथ ही केंद्र सरकार को लेकर लगातार देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन आज सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान दो जब भारतीय सीमा में दाखिल हुए और इधर से भारतीय सीमा पर जब उनको देखा गया तो उसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी उसको यहां पर खदेड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद बम बरसाने के बाद भारतीय सीमा से वापस पाकिस्तान में लड़ाकू विमान पहुंच गया था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय वायुसेना ने एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, बड़ी कामयाबी मिली। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले इस पर देखिए हमारे खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले की जानकारी दी। कहा कि अब वक्त आ गया है और इस तरह की आतंकवादी हमले के खिलाफ सभी देश जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें। तनाव के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव रोचिप और साथ ही अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएमओ में भी बैठक हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया और उसके दो जेट भारतीय सीमा में 3 किलोमीटर तक घुस आए, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद वो वापस लौट गए थे। ये घुसपैठ जम्मू कश्मीर के आसपास की गई है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का F-16 विमान को मार गिराया। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद पाक विमान से एक पैराशूट निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पायलट की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा से लगे सभी इलाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुंछ, नौशेरा और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नागरिकों को घर में रहने को कहा गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की और कहा, हमारी सतर्कता के चलते हमने पाकिस्तान के प्रयासों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना की पहचान होते ही भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया। इस हवाई कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना के एक फाइटर विमान को भी हमारी वायुसेना के MiG-21 ने मार गिराया। पाकिस्तानी विमान को पाकिस्तान के ही सीमा में गिरते हुए देखा गया और इस कार्रवाई में हमने अपना एक MiG-21 विमान को खो दिया। विमान का पायलट लापता है। और वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट का एक वीडियो जारी कर सबूत पेश करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24। तो भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 21 मिनट के ऑपरेशन में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया था, उसके बाद आज सुबह जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर से उनको खदेड़ दिया जाता है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रमोद बहल जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद बहल जी, क्या सबसे पहले सवाल बिराफी से किया पर, अब माना जाए कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने जब से पीओके में घुसकर आतंकवादियों की कमर को तोड़ने का काम किया उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। बिल्कुल, हमारी इंडिया का जो वायुसेना है पूरा सतर्क में है। देखिए, परसों रात में जाकर उन्हीं की गढ़ में घुस की आतंकवादी को ध्वंस करने के बाद पाकिस्तान अब बिल्कुल बिलबिला गया, छटपटा रहा है, अब पागल की तरह घूम रहा है। आज जैसे हमारी सीमा में घुसने की कोशिश किया है, मगर हमारे वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर उनको वापस भेजा और उनका जो भी विमान आया था एक तो वहीं पे मार गिराया और एक डर के मारे भाग गए। अब मुझे लग रहा है ये करार जवाब है हमारी इंडिया की तरफ से। हमारी देश का जो हमारी सेना है तत्पर, हमारे वहां तैयार है और 24 घंटा तैयार है। पाकिस्तान अब दोबारा गलती करेगा तो मुझे लग रहा है बड़ी कार्रवाई होगा और उनके मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा।
बिल्कुल चंद्रमोहन शर्माजी, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने 300 से ज़्यादा आतंकवाद को ढेर किया पीओके के उस पार जाकर, और आज फिर से यहां पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ध्वस्त करने का काम किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि भारत माता की जय जी, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब मेरे देश पे कोई अटैक करेगा तो ना यहाँ हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई पार्टी है, ना कोई मजहब है। इस देश के अंदर हिंदुस्तानी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और आज वही जवाब मेरी देश की सेनाओं ने दिया, मेरे देश के शौर्यवान उन नौजवानों ने दिया पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा, कहते हैं प्राणी है, एक ऐसा देश है जो लातों की बात ही मानता है, वो बातों से नहीं मानता, और उसको जब तक करारा जवाब नहीं दिया जाएगा वो उस करारे जवाब से सुधरेगा नहीं। आज जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर पाकिस्तान की माली हालत है उसके बाद भी वो आतंकवाद का पीछा नहीं छोड़ा, और आतंकवाद को पैदा करके वो दूसरों देश को बर्बाद कर रहा। आज यही कारण है कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग थलग हो गया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ चाइना हो, कहाँ अमेरिका हो, सबने उसको एक ही चीज बोली है कि सबसे पहले वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान वही ढीट है, वही देश है जो फिर दोबारा से इन चीजों पर कार्रवाई ना करके वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की देख रहा है, ये उसकी बहुत बुरी भूल है। उसके हम इतने टुकड़े कर देंगे कि उसका नाम लेने वाला नहीं होगा। बिल्कुल नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। प्रमोद बहल जी, जिस तरह से आज कांग्रेस समेत के चुनाव जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने कहा कि हमें भारतीय वायुसेना पर गर्व है और हम इस पूरी कार्रवाई पर सेना के साथ और देश की सरकार यानी कि पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हमारी जो सेना है उन पे तो गर्व है ही, मगर हमारे देश की जो ऐसा सरकार है वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना के साथ ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के साथ ही, अब देखे रात में 11 बजे 12 बजे भी मीटिंग करवा रहे, पूरा खुल छूट दे रखा प्रधानमंत्री जी ने, बोल दिया आपका समय भी आपका है और आपने समय भी आपने चुनना है और जगह भी आपने चुनना है, जो भी आप कर सकते हो खुला छूट है। मगर हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है, और साथ में अब दोबारा कोई गलती करेगा प्रधानमंत्री छोड़ने वाला नहीं है, और हमारी सेना भी बिल्कुल सब सरकार और सेना सब साथ खड़े है, और हमारे सब विपक्ष भी हमारे साथ खड़े है, कोई इसमें राजनीति वाला मुद्दा भी नहीं है, सब हमारे देश भारत माता का देश के साथ है, और हमारे देश के ऊपर कोई विपद आता है सारे दल एक साथ मिलके सब सेना और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी खुला छूट दे रखा है। अब की बार दोबारा गलती करेंगे पाकिस्तान शर्म में डूब मरेगा और पूरे देश पाकिस्तान को ये ध्वस्त कर देगा। बिल्कुल, तो भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की और जिसको लेकर अब देश के अंदर भी लगातार खुशी देखी जा रही है, और जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पीओके के उस पार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया और उसका जवाब भी वहां पर भारतीय वायुसेना ने दिया है। और इस चर्चा में हमारे साथ मोहन कुमार रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। और सवाल मेरा आप ही से यहां पर, क्या जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने जब से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है? नहीं, पाकिस्तान तो शुरू से ही घुटनों पर है जी, और सिर्फ यही हमारी मजबूरी है कि हमें एक ऐसे आदमी से लड़ाई करनी पड़ती है जो खुद घुटनों पर है, और ये कभी सामने का दुश्मन पाकिस्तान 71 के बाद रहा ही नहीं है। ये पहली इनका स्ट्रेटेजी 71 के बाद दे रियलाइज़ की वो हमसे कभी भी डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और इसी करके उन्होंने इस तरह के जिसको हम बोलते हैं छद्म वॉर, छद्म युद्ध की इसको आप कह सकते हैं कि ये स्यूडो वॉर है, और इस तरह की हरकतें वो करते रहे हैं कि टेररिज्म का जो उनको सहारा देना था या इस तरह का टेररिज्म को क्रिएट करना था उसका ऑब्जेक्ट यही था कि पाकिस्तानी आर्मी बैकग्राउंड में रह के सपोर्ट करे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वो करने की पोजीशन में कभी थे ही नहीं। तो पाकिस्तान यहाँ पे, और ये बड़ा अच्छा हमारा एक मूवमेंट है कि भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने आतंकिस्तान के ऊपर अटैक किया। बिल्कुल, अगर आप आतंक को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और कंट्री, आप कहीं भी हैं वो आप हमारे टारगेट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिस इज़ हाई टाइम कि एज ए कंट्री वी मस्ट रियलाइज कि ये हमारी प्रॉब्लम है और ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तो अमेरिका आएगा ना इजराइल आएगा, ये खुद हिंदुस्तान को ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा।
बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है, एक तरफ लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना, या फिर कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि आतंकवाद वहां पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उस पर या बचाव कहें या फिर पक्ष कहें, जिस तरह से अब पाकिस्तान सक्रिय तो यहां पर नजर आ रहा है, प्रमोद बहल जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया और पीओके में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया, उनके कैंप को ध्वस्त किया, तो अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है तो बचाव किसका क्या जा रहा है? पाकिस्तान जो जिंदा है आतंकवादी की वजह से जिंदा है, इसी के जवाब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और पूरा विश्व में उठा रहे, तो तब भी वो नहीं मान रहा है। अभी देखिये सारे देश इंडिया के साथ है, मगर पाकिस्तान के साथ में जो चाइना दे रहा था वो भी अब आजकल में वो हाथ खड़ा कर दिया। फिर भी पाकिस्तान के हाथ पास में ना सेना है ना लड़ने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र है, फिर भी वो शर्म के मारे जो रिमोट चला रहे आतंकवादी ने उनको साथ दे रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी जो है एक बार इन्हें तगड़ा जवाब मिला है, अभी दोबारा एक कोशिश करेगा पूरा पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, ये हमारी सेना बिल्कुल तैयार के साथ खड़ा है। बिल्कुल, चंद्रभुवन शर्मा जी जिस तरह से चीन इसकी तरफ से बयान आया और वो भी जो चीन ने कहा है वो भारत के फेवर में कहा है, और जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की और कहा है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको खत्म करने को लेकर ही काम भारत ने यहाँ पर किया, वो कदम उठाया, आप अपने देश के अंदर जो आतंकवाद फल फूल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए बिलाल जी, जो आतंकवाद है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है और उस आतंकवाद के लिए बहुत सारे देशों ने इस चीज को सहा है और उसके लिए बहुत सारी जानें भी गई हैं, बहुत सारे आप लेके आप अफगानिस्तान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, इवन देन चाइना के अंदर भी पाकिस्तान से पैदा हुआ आतंकवाद वहां पर उसका असर दिखता है, तो ये तो होना ही था, वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी के अंदर ये आना ही था कि पाकिस्तान नंगा होना चाहिए था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपील करूंगा अपनी सरकार से और अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो विंग कमांडर जो वहां पर रुक गए हैं तो उनका जल्द से जल्द लाया जाए, उस सपूत को जो भारत माता का सबूत है जो देश की सुरक्षा के लिए वहां गया, उन मानवाधिकार के सब पहलुओं को साथ लेकर ये कोशिश करनी चाहिए पूरे दबाव के साथ कि उसके साथ कोई भी ऐसी हादसा ना हो जिससे कि हमारा एक वो लाल जो देश के साथ खड़ा है और वहां फंस गया है, तो सरकार उसके ऊपर पैनी नजर रखी हुई है, कोशिश रहेगी सरकार की उसको लाने के लिए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से इस बात को यूएनओ तक भी उठाए, क्योंकि जब हिंदुस्तान ने यहां से वार किया वो किसी पाकिस्तान या किसी सिविल इंडियन पे नहीं किया, वो पार आतंकवाद के ऊपर था, आतंकवादी के लिए था, लेकिन अगर आज पाकिस्तान ने सेना के आदमी को रोक कैसा करा है तो उसकी एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, इसको सरकार को उजागर करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक में बैठ कर इस चीज को मंथन भी करना चाहिए, क्योंकि और जितने भी सब दल है उनको साथ लेके उनके विचार को लेके इसको प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल, मोहन कुमार जी आपको क्या लगता है कि अब सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि जिस जवान को लेकर पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि भारतीय जवान को हमने वहां पर गिरफ्तार किया उनकी हिरासत में है, अब सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए और क्या कुछ रास्ता हमारे सामने होगा? देखिए बिलाल जी, मेरे ख्याल से सबसे पहला मेरी गुजारिश भारत सरकार से या भारत के आवाम से यही है कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। दिस इज़ हाई टाइम वी शुड बी सीरियस अबाउट इट। ये कोई ना तो पॉलिटिकल मौजू है या पॉलिटिकल विषय है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये बिल्कुल समय नहीं है। आज आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से या तो अपने पॉलिटिकल एम्स जो भी हैं कि जिस भी पार्टी के जो भी पॉलिटिकल एम्स हैं, आज ज़रूरी है कि वो अपने पॉलिटिकल एम्स को भूल के अपने कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन इन सब से भूल कर आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह खड़े हो जाएं, क्योंकि ये एक शुरुआत है। ये इस प्रॉब्लम को हम पिछले 40 सालों से झेल रहे हैं, ये एक शुरुआत है जिसको मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पीठ थपथपाइए, जरूर थपथपाइए, बड़ी खुशी की बात है, हमें गर्व है अपनी भारतीय फौजों के ऊपर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हाफिज सईद जिंदा है, दाऊद इब्राहिम जिंदा है, भारत के जितने भी दुश्मन हैं वो अभी जिंदा है, ठीक है, हमला उन्होंने भी किया, हमने भी जवाब दिया, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक
मेरे ख्याल से एक संजीदा लड़ाई की शुरुआत है जो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, और ये सिर्फ फौजी की लड़ाई नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही आपने प्रमोद बहल जी। जिस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब चीन पहुंचे और वहां पर जितने भी तमाम देशों के विदेश मंत्री वहां पर थे, बैठक का आयोजन वहां पर किया गया था, वहां पर भी इस पूरे मामले को विदेश मंत्री ने उठाया और कहा है कि जिस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा है, सभी देश को एक साथ और एक प्लेटफॉर्म पर आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अगर जितने भी देश हैं और वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो क्या माना जाए कि किस तरह से और कितनी जल्द आतंकवाद का सफाया किया जा सकता है? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सारे देश को अपील किया है जी, आतंकवादी के लिए एक साथ लड़ना पड़ेगा, मगर वो आज बढ़िया प्लेटफॉर्म में चाइना का अंदर, जो चाइना पाकिस्तान को हमेशा समर्थक दे रहा था, उन्हीं की वहां पे बैठक ये बात उठाया, यह हमारी इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है और इस पे कार्रवाई तुरंत होने वाला है। मगर पाकिस्तान बहुत बड़ा गलती कर रहा है, देश में ऐसा प्रधानमंत्री है वो ना रात में सोता है ना दिन में, 24 घंटा देश के लिए जागता है, और ये जो गलती करा पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी आपने देख लिया, 40 के बदले 300 लोगों को मारा, वो भी आतंकवादी। प्रधानमंत्री ये करे वहां का निर्देशालों को नहीं मानना है, बिल्कुल जो आतंकवादी है उन्हीं को मारने के लिए, मगर आतंकवाद साथ कोई दे रहा है तो प्रधानमंत्री और हमारे देश का सेना छोड़ने वाला नहीं है। भारतवासी सारे एक है और सब देख लिए, पाकिस्तान पूरा सुन ले, हमारी पूरी भारतवासी सेना के साथ खड़ा है, और आप दोबारा गलती करेंगे, अभी तो हमारे विदेश मंत्री बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म में उठाया ये बात को, मगर अभी आतंकवादी अब जिंदा नहीं रहेंगे, एक एक चुन चुन के मारा जाएंगे, ये बिल्कुल कड़ा, बिल्कुल और कड़ी कार्रवाई की जाए। चंद्रमोहन शर्मा जी, जिस तरह से आज विदेश मंत्री ने चीन में वहां पर बैठक के दौरान पूरे मामले को उठाया, आह्वान किया गया सभी विदेश मंत्री जितने भी वहां पर देश के विदेश मंत्री थे, अगर पूरा राष्ट्र अगर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाता है और दबाव बनाया जाता है पाकिस्तान जैसे देश पर आतंकवाद को लेकर, क्या आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ेगा कार्रवाई करने को लेकर? देखिए डिप्लोमेसी पॉलिसीज होती है, इसके ऊपर सरकार जो कार्य करेगी उसको, इसको सरकार को देखना पड़ेगा। मैंने जैसे पिछले वक्तव्य में बोला और हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने भी इस बात को बोला, ये अभी शुरुआत है, इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ इसको देखना पड़ेगा अभी ये किस और करवट लेता है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। अभी कुछ देश ऐसे हैं जो अभी आपको ऐसा दिलासा दे रहे हैं, हो सकता है कि अगर कहीं पीरियड आगे बढ़ा तो अपना रुख पलटेंगे। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें आज इतनी कूल होके इन बातों को देख लेना चाहिए कि फलाना देश ऐसा कह रहा है, फलाना देश ऐसा कह रहा है। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमारा एक फोकस होना चाहिए, फोकस यह है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे साथ पिछले कई 40-45 सालों से हमारा निरंतर हमारे साथ वो हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारे को अपनी बात को पुख्ता तरीके के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ, और पूरे देश तो साथ है ही आज सरकार के साथ, सारी पार्टियां सरकार के साथ हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आने वाला जो समय होगा, अगर मान लीजिए इसका कोई विराम नहीं लगता और ये आगे जाता है तो ये रोड मैप खुलेंगे, इसके बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे आएंगे जो आपको देखने में जो चेहरा समझ लीजिए गुलाब का लगेगा लेकिन उसके नीचे कांटा भी होगा। तो इस ये दूरदर्शिता और ये संजीदगी सरकार को, सरकार के प्रतिनिधित्व मंडलों को देखनी पड़ेगी। और रही बात उसके जवाब देने की, तो मेरी देश की सेना परिपूर्ण है उस कांटे को निकाल के फेंकने को जो देश के किसी हाथ या किसी किसी के पैर पे चुभेगा। अगर जरा सा रक्त निकलेगा तो मेरी देश की सेना कई सौ रक्त निकाल देगी। ये बात पाकिस्तान को हम फिर कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ये आतंकवाद की लड़ाई ये कोई एक पार्टी नहीं लड़ रही है, पूरा हिंदुस्तान और 135 करोड़ जनमानस आपसे लड़ रहा है। आप संभलो, संभल जाओगे तो आपकी खैर है, नहीं संभलोगे तो फिर आपका अंत है। बिल्कुल, तो इसी को लेकर लगातार जिस तरह से भारत बड़ी कार्रवाई कर रहा है, आगे भी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। मोहन कुमार जी, क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद जो फल फूल रहा है उसको लेकर जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से, क्या ये माना जाए कि आतंकवाद का खात्मा सेना है तो मुमकिन है? देखिए बिलाल जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक मजबूर मुल्क है जी। मेरे ख्याल से पिछली बार आपने, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के ऊपर भी टेरर अटैक हुआ था जी। इसमें उनके कई सौ बच्चे, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा बच्चे मेरे ख्याल से उसमें मारे गए थे। तो पाकिस्तान एक मजबूर मुल्क है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा मजबूर है। अभी ये रिलीजियस उन्माद कहो या इस तरह की कहो, मैं किसी रिलीजन पर्टिकुलर के अगेंस्ट में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक जिस तरह का उन्माद क्रिएट किया गया है जिसको हमको हैंडल करना है, पाकिस्तानी इसको खुद हैंडल नहीं कर पा रहे थे।
और इसलिए क्योंकि बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो इस तरह के नासूर को जो पाकिस्तान से निकल के बाहर तक आ चुका है उसको कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। प्रॉब्लम पाकिस्तान ने क्रिएट की, ये उनकी प्रॉब्लम है। आज हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को करना चाहिए था, जो टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने का काम था ये पाकिस्तानी आर्मी का था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस चीज में वो खुद फेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, या वो नहीं उनकी विल पावर नहीं है या दे आर नॉट कैपेबल, वट एवर मे बी द रीजन। आज हमने एक काम किया है, इसके लिए पाकिस्तान को तो भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो काम अपनी मजबूरियों की वजह से वो आज तक नहीं कर पाए, जिस काम को वो कभी अंजाम नहीं देना दे पाए, उस अंजाम में हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो काम हम उनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और निकलता है यहाँ पर मोहन जी कि आखिरकार जो आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, क्या वो आतंकवाद पाकिस्तान सरकार पर भी हावी है, वहां की सेना पर हावी है, और अगर उसको आतंकवाद वो लिए और आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार वहां की आर्मी कोई कदम नहीं उठा रही है तो उसमें क्या कुछ फायदा वहां के उस मुल्क का है, उस सरकार का है? देखिए बिलाल भाई, जब आप आग लगाते हैं, आग हाथ सेकने के लिए आप आग लगाते हैं, लेकिन आग जब ज़्यादा बढ़ जाती है वही आपकी लगाई हुई आग आपकी चिता बन जाती है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद के बीज बोए, वॉट एवर रीज़न उनकी मजबूरियां रही या सामरिक और स्ट्रेटेजिक उनकी प्लानिंग थी कि भाई अभी डायरेक्ट वॉर ना करके हम सूडो वॉर करेंगे इंडिया के खिलाफ में, लेकिन जब एक बार उन्होंने वो आतंकवाद के बीज बो दिए और वो बड़ा होकर एक दरख्त बन गया कि वो और पाकिस्तानी अपने आप को उसके सामने बौना महसूस करने लगे, क्योंकि एक रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, और जितने भी ये उन्मादी हैं पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, ये इनका बेस वहाँ पे उनका कट्टरपंथियों का भी सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात ये उनको आ जाती है, और हिंदुस्तान उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट नज़र आता है कि ठीक है हम हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं ताकि वो वहाँ के आवाम की और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी आर्मी या पॉलिटिशियंस जितने भी आए वो सब एक ही दर्जे में आते हैं, उनकी सिंपैथी ले लेते हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि लगातार वहाँ जिस तरह से आतंकवाद फल फूला, शायद यही वहाँ का कारण माना जाए। प्रमोद बहल जी, जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर आलम इमरान खान का बयान आया कि पाकिस्तान भारत से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है, क्या ये माना जाए कि इस पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है अब पाकिस्तान भी घुटने टेक रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान घुटना टेक रहा है, अभी तो बातचीत करने का समय जा चुका है, अब इन पे हमने ज्यादा भरोसा कर लिए थे, अब करने वाला नहीं है, अब ये जब तक आतंकवादी के साथ देगा तो हम लोग बात करने के, हमारी इंडिया की सरकार बिल्कुल बात नहीं करेगा, और जब तक ये बार वाला जो आतंकवादी नहीं मारा जाएगा, एक एक चुन की जब तक नहीं मारा जाएगा पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करेगा। वहां का प्रधानमंत्री अभी वो बिल्कुल भूखानंगा की तरह हो रहा है, जैसे रिमोट कंट्रोल आतंकवादी चला रहा है ऐसे चला रहा है ये सरकार, ऐसे सरकार नहीं चलता कहीं, आतंकवादी को अलग टल करने जब तक नहीं करेगा तब तक ये विश्व में पूरा अलग टल हो रहेगा और आतंकवादी एक एक चुन के मारा जाएगा। बिल्कुल, चंद्रमोहन शर्वादी, जिस तरह से इमरान खान का ये बयान आया इस बीच, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या अब हल निकल सकता है बातचीत से या फिर कोई और रास्ता है? देखिए, बातचीत तो हमेशा एक हल होता है, ऐसा नहीं है कि बातचीत से हल नहीं निकल सकता, बातचीत से हल निकला जा सकता है, और अभी भी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, उसकी पहल के लिए कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग इमरान खान को दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले, सबसे बड़ा, जब पूरा वर्ल्ड उससे उम्मीद करता है कि वो आतंकवाद के अगेंस्ट कार्रवाई करे, तो उसके यहाँ पर जो पल रहे हैं हाफिज सईद और जो अजहर महमूद और बहुत सारे ऐसे हैं जो आतंकवादी, उसके ऊपर कार्रवाई कर ही नहीं रहा है वो, तो सबसे पहला प्रूफ है। अब उसके बाद जो कार्रवाई उनकी, जो मैंने भी पीछे बोला था, हमारे जो दो सपूत विंग कमांडर अभिनंदन और एक और जो सिस्टम में गया हुआ है, अगर उसकी कहीं मंशा पॉजिटिव है तो उसको सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री से, हमारी भारतीय सेना से बात करके उसको सही सलामत वापस करना चाहिए, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा पड़ोसी देश मेरे लिए, मेरी देश की जनता के साथ अटैक नहीं कर रहा, वो आतंकवाद के साथ लड़ाई कर रहा है, जिस आतंकवाद को मेरे हाथ से कंट्रोल नहीं है, ये कथनी और करनी और जो उसकी इच्छा शक्ति है वो बताती है। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है बिलाल जी। पाकिस्तान के अंदर जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा चुनी तो जाती है, लेकिन उसको चलाने का अख्तियार उसके जो टेररिस्ट जोन है, जो उसके धार्मिक संस्थाएं हैं, जो कट्टरपंथी है, वो ही चलाती हैं। तो इसलिए इमरान खान तो एक कठपुतली है, और इमरान खान ने सिर्फ अपने आप को जीत के साबित करा,
मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के हाथ में कुछ है। अगर कोई ऐसा है, अभी देखिए जो भी बात हो रही है, अभी तो सिस्टम चला है, अगर आज इमरान खान पाकिस्तान को कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता है या वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का नाम अच्छा करना चाहता है, तो इमरान खान को स्ट्रॉन्ग डिसीजन करके बाहर आना चाहिए। शायद मैं समझता हूँ उसकी जनता उसके साथ होगी, क्योंकि किसी भी देश की जनता युद्ध नहीं चाहती। युद्ध कब उस पर थोपा जाता है, उसकी मजबूरी बन जाती है, उस मजबूरी को फिर ललकार के रूप में स्वीकार करा जाता है, जैसे आज हम ललकार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, इमरान खान के सामने बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा जी, अब मौका है कि किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने की आतंकवाद को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, और अब मौका है कि अब देखना होगा कि वाकई में वजीर आलम इमरान खान कोई कार्रवाई करेंगे, देखना होगा। लेकिन इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करें जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया पीओके में घुसकर, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और आज एक बार फिर से जैसे ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, और तुरंत जब भारतीय वायुसेना ने उसका जवाब दिया और वो वापस भारतीय सीमा से निकलकर पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मोहन कुमार, जब मेरा सवाल आपसे यहां पर ये निकलकर सामने भी आ रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम पाकिस्तान में जो है पहुंचकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में लगातार बढ़ रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, आतंकवाद को खत्म करने का एक सेट रूल है कि आपको तीन लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला लेवल तो ये है कि आपको इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल जो प्रोजेक्शन है, डिप्लोमेटिक फाइट जो है, उसमें आपने काम करना पड़ेगा। सेकंड आपकी आ जाती है कि आपको आर्मी या अपनी मिलिटेंसी जो भी में आप मिलिशिया आपके पास है, दैट इज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस जो भी आपके पास हैं, इनका आपको बेहतर तालमेल के साथ यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि देखिए, फौजी एक सॉल्यूशन है, एक फौरी इलाज है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जब सब चीज़ फेल होती है तब आर्मी कामयाब होती है, जब सब डिप्लोमेटिक मिशंस फेल हो जाते हैं, जब लोकल गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तब आर्मी कामयाब होती है। और आर्मी की वजह से ही, अपने डिफेंस फोर्सेस की वजह से ही है कि कश्मीर आज हमारा एक हिस्सा है। इतने अटैक और इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी कश्मीर स्टिल इज़ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो तीसरी जो लेवल है वो है अपना लोकल लेवल। लोकल लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, सब कश्मीर की प्रॉब्लम सिर्फ एक राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है, या कश्मीर की प्रॉब्लम कोई मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें रिलीजन भी है, इसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, वो सबको थोड़ा एक बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। और ये पॉलिटिशियन जो हमारे इमेच्योर बिहेव करते हैं एट टाइम्स, ये बदकिस्मती की बात है कि हमको इस तरह के संजीदा इश्यूज के ऊपर भी तो हम संजीदगी से काम नहीं लेते हैं, और नीजर्क रिएक्शन होता है। अब मैं पूछता हूँ, एक सवाल ही पूछ लेता हूँ अपने पॉलिटिशियंस भाइयों से कि इसे आप पुलवामा अटैक ही ज़रूरी था कि आपको इतना सब करने के लिए, जब आपके पास इंटेलिजेंस थी, आपके पास फोर्सेस थी, आपके पास विल पावर थी, तो आपने पुलवामा अटैक से पहले क्यों नहीं किया? क्या पुलवामा अटैक से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी? आज उसमें सिचुएशन में क्या चेंज हो गया? या फिर हम किसी और अटैक की वेट कर रहे हैं जिसमें कि हमारे 100 जवान मारे जाएंगे तब हम फुल फ्लेज अटैक लॉन्च करेंगे? सब आप किस चीज़ को सीरियसली तो कम से कम लीजिए। पुलवामा अटैक हुआ, ये हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये मिलिट्री फेल्योर है, या फिर ये हमारी पॉलिटिकल फेल्योर है? सर, बिल्कुल। आज आप बोलते हैं कि हमने फौज को खुला हाथ दिया, मैं पूछता हूँ क्या पिछले 70 साल से आपने फौज के हाथ बांध रखे थे? क्या मोदी जी ने चार साढ़े चार के टेन में फौज के हाथ बांध रखे थे? या उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, मैं उससे नहीं कहता हूँ, क्या उन सबके हाथ बंधे हुए थे? देखिए सब हाथ तो खुले हुए थे, सिर्फ ये है कि आज हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं। कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट देना कि हमने खुली छूट दी हुई है आर्मी को हमेशा से खुली छूट थी। आर्मी का कभी आर्मी के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, पॉलिटिकल विल पावर होती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन सिर्फ आर्मी ले सकती है, या ग्राउंड फोर्सेस ले सकती हैं, या एयरफोर्स, जो भी मैं आर्मी का मतलब मैं लेता हूँ अपनी डिफेंस फोर्सेज के लिए,
ये हमारी डिफेंस फोर्सेस को डिसाइड करना है कि हमको अपने टारगेट्स कैसे अचीव करने। बिल्कुल, तो हमेशा से ही आर्मी को खुला हाथ मिला है। 89 से तो कश्मीर में इमरजेंसी रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने आर्मी का पूरा सपोर्ट किया है। ठीक है, मैं भी बिलाल जी बिल्कुल से एग्रीड हूँ हमारे मोहन भाई जी ने जो बात बोली है, क्योंकि कहीं अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी ये बात कहती है किसी चीज़ों को हमने खुली छूट दी है, तो वो हमारे देश की सेना की तोहीन करती है। और एक जो इससे रिलेटेड व्यक्ति होगा, जो इस चीज से जुड़ा होगा, तो उसको बिल्कुल दर्द होगा। एक पॉलिटिशियन और एक वो जो वर्दी के अंदर रह के जो देश को समर्पित होता है जो भी जन, वो उसकी भावना पे बहुत बड़ा ठेस लगता है। और आज जो मुद्दा है जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया कि पुलवामा के होने के बाद ही ये सब चीजें कैसे आ गई, लेकिन आज विषय उन चीजों का नहीं है तो लेकिन हम उस पर नहीं बात करते, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी जोश के साथ और इसी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, बिल्कुल करा जवाब दिया जाए, उस पर कोई गुंजाइश न करी जाए, क्योंकि आज देश पूरी तरह से परिपूर्ण है। देश को बताना चाहिए और देश बताएगा भी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार बताएगी भी पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को कि इस तरह के जो भी सिस्टम आएंगे हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, चंद्रमोहन शर्मा जी बोलते हैं कि जवाब देना चाहिए। देखिए साहब, ये जवाब देने का टाइम नहीं है। उन्होंने एक गलत, एक नापाक हरकत की है, उसका उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको दंड देने का जरूरत है। आज उनको जवाब नहीं चाहिए, जवाब बराबर वाले को दिया जाता है, जवाब उस सेंसिबल आदमी को बात दिया जाता है जो सेंसिबल बात करता है। वो एक इनसेंसिबल बात करते हैं, उनका जवाब नहीं होता है, उसको जवाब नहीं, दंड देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोद बहल जी, जिस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकवाद फल फूल रहा है उसको लेकर भारतीय वायुसेना ने कदम उठाया और जो है कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन जो आतंकवाद लगातार जो है देखने को मिल रहा है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्द लोगों को लगातार गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उसका खात्मा कब होगा और कैसे होगा? जो हमारी सरकार ने काम किया है, अब देखिए 4-4.5 साल के अंदर अंदर कितना आतंकवादी वो बॉर्डर पे ही मारा जा रहा है, वो इंडिया का घुसने के जैसे घुसने की कोशिश कर रहे वही मारा जा रहा है। देखो ये बड़ा दुखद घटना है, बीच में कैसे घुसे, ये कहीं से मिस्टेक तो हुई है और उसके जवाब भी तो दिया इंडिया ने, बहुत तगड़ा जवाब दिया है। जवाब के लिए पाकिस्तान 10 बार सोच रहा हुआ, अब इतना अभी हमारी जब ही अभी यूपी में पकड़ा गए और वहीं का जो लोकल लोग है आतंकवादी को जो है समर्थन कर रहे थे, अब उनसे जब सुरक्षा हटा दिया, अब सारे चीज पुल पटरी खोल के आ रहे, मगर ये पहले से अब बेटर है, आतंकवादी को बिल्कुल वहीं बॉर्डर पे मारा जा रहा है। और मेरे हिसाब से ठीक है सर, वो समझ में आता कि सीमा पर लगातार जो हमारी भारतीय सेना है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार मुंह तोड़ जवाब देती है जब आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, लेकिन जो देश के अंदर आतंकवाद फल फूल रहा है उस पर लगाम कब लगे और कैसे लगेगी? उस पर तो बहुत तगड़ा कार्रवाई हो रखा अभी जी। अभी धीरे धीरे सब जो है लगाम लग गया, अभी ये 370 हटते ही अब सब जो है चुप घर बैठेंगे, अब आतंकवादी बिल्कुल सामने आ जाएगा, वहीं पे मारा जाएगा। अब आतंकवादी को समर्थन देने वाले जो कश्मीर वाले है वो सब चिन्हित हो गए, अब उनपे कार्रवाई धीरे धीरे चल रहा है। अभी दूसरा आतंकवादी घुस नहीं सकता, अभी जब तक ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब अभी और देने वाले, अभी थोड़ा सा आज कोशिश किया, आप देखा दो आए, दो तुरंत वही बॉर्डर में पकड़ा गया और दो, एक को तो वही मार दिया गया, एक तो तुर्की मार डर के मारे भाग गया, मगर हमारी सेना जो है बहुत मजबूत है। आज की अस्त्र शस्त्र हमारे पास इतना हो गया, पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं, कंगाल है वो तो, चाइना से कहां कहां से पैसा भीख मांग के वो चल रहा है, वो आतंकवादी जैसे कहेगा रिमोट कंट्रोल चला रहे। चंद्रमोहन शर्मा जी, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, जम्मू कश्मीर में उसका साफ तौर पर असर भी देखा जाता रहा है, दहशतगर्दों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमारी सरकार को, हमारी भारतीय सेना को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके? देखिए बिलाल जी, क्या कदम उठाने चाहिए, दायित्व है सरकार का। और अगर कोई सरकार आज इस गहम और गहिम विषय पे कुछ करती है, अगर वो अपनी छाती ठोकती है, तो मैं थोड़ा सा बिना पार्टी के ना बात कह के चंद्रमोहन शर्मा ऐसे से बोलता हूँ, मुझे संशित लगता है। देखिए इस विषय के ऊपर आप राजनीति के विषय नहीं, अगर राजनीति की बात को मुझे काटना होता तो मैं बहुत सारे वक्तव्य को काट के बहुत सारी ऐसे कह सकता था, लेकिन हमें कुछ लोग देश के देख रहे हैं, तो आज देश ये नहीं देख रहा, नहीं चाहता कि हम उस विषय पर बात करें, देश ये चाहता है कि काम होना चाहिए। अगर कोई सरकार काम करती है उसका फर्ज है, उसका दायित्व है, और उसके लिए सेना, जो हमारे सेना के जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, वो 2-2 घंटे के पैर के ऊपर, 2 घंटे की 2-2 घंटों की पैरी करके ड्यूटी देते हैं। अगर आज सेना ने अलर्ट कर रखा है, अगर सेना के जवान
जो 2 मिनट के अंदर पैराशूट उड़ाकर अटैक का जवाब दे सकते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर हमारा संज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए। फिर मैं दोबारा इसी बात को कहता हूं कि आज हमारे पास मौका है, चाहे वो मौका किसी ने पैदा करा, चाहे वो मौका किसी तरह से लेके आया गया, लेकिन अगर आज भी आप चूकते हैं तो वो फिर आप पे आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज आप पूरी जो इंटरनेशनल बरादरी है आपके पास पूरे दमखम के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे सबूतों के साथ आप इस चीज को उजागर करें। और जैसे मोहन जी ने बोला, मेरे वक्तव्य को उन्होंने ठीक करा कि हम जवाब नहीं, उसकी दंडता की कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर, मैं उस वक्तव्य को बिल्कुल ठीक करता हूं कि मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल ठीक बोला। जवाब तो उसको देते हैं जो हमारे बराबर हो, जो हमसे लड़े, तो उसकी हम जो कार्याना हरकत वो करता आ रहा है पाकिस्तान, आज उसको उसकी कार्रवाई दंडित करने का समय, और दंडित करने चाहिए, दंडित करके उसका श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रेय पूरे हिंदुस्तान का है, 135 करोड़ का है, हर जनमानस का है जो इस देश के अंदर रहता है, ये किसी एक का श्रेय नहीं है। बिल्कुल मोहन कुमार जी, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया, उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, तो इशारा किस तरफ होता है? देखिए, इशारा आपने उनके बॉर्डर्स को वायलेट किया, पाकिस्तान, एंटायर पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, देखिए उनको भी अपने आवाम को जवाब देना है, पाकिस्तानी आर्मी को भी अपना मोराल हाई करना है, तो कुछ ना कुछ नापाक हरकतें तो करनी पड़ेंगी, पर मैं उनकी हरकतों पे ना ध्यान दिला के जी आपका ध्यान अपनी हरकतों पे दिलाना चाहता हूँ कि साहब आप ये बताइए, क्या आज तक भारत सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर किया है? आप बोलते हैं पाकिस्तान, हर आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान है, हर आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान है, क्या आपने उसको आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर किया है? क्यों नहीं आप रेजोल्यूशन लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर करते हैं? आप अपना काम नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ यू सो मेनी फौजीज आर डाइंग। आप पाकिस्तान की का क्यों प्रेम मोहब्बत दिखाते हैं, क्यों आप पाकिस्तान जाते हैं, मुझे आप ये जवाब दीजिए, कभी बस में बैठ कर जाते हैं, कभी बिना बताए बिरयानी खाने जाते हैं, क्यों नहीं आप पाकिस्तान को एनिमी स्टेट डिक्लेयर करते हैं? अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो उसको दुश्मन स्टेट, एनिमी स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं आप लोग? सबसे पहले आप अपने गिराबान में जाके और जवाब दीजिए इस आवाम को, इस मुल्क को जवाब दीजिए, क्यों नहीं, क्यों क्यों नहीं आप पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान से आप प्यार मोहब्बत, आप उसके साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं, आप पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, आप पाकिस्तानी हीरोइंस को काम देते हैं, एक तरफ या तो आप उसको एनिमी स्टेट डिक्लेयर कीजिए या उससे प्यार मोहब्बत कर लीजिए। आपने प्यार मोहब्बत कर ली, अब इट इज़ हाई टाइम कि हम उसको एनिमी स्टेट डिक्लेयर करें और अपने जवानों का एटलीस्ट हैव सम रेस्पेक्ट फॉर देयर मोराल। ये ना करें कि एक तरफ तो जवान अपनी शहादतें दे रहा है और आप एक तरफ कमेंट दे रहे हैं कि हाँ जवान तो शहादत के लिए बने हैं। इस तरह के बेवकूफ़ी भरे आप स्टेटमेंट्स देते हैं आपके पॉलिटिशियंस। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है प्रमोद बहल जी, आज तक सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जहाँ मेन जहाँ पे उठाना चाहिए, हमारी सरकार ने, विदेश मंत्री ने हर जगह हर प्लेटफॉर्म में उठाया है मुद्दा को, मगर अभी ये सभी देश से सहमति लेना है, उस पहले कार्रवाई चल रहा है, बाकी रहेगा। हमारी भाई शर्मा जी ने बताए, देखिए ऐसा सरकार बना है, पहली बार गृह मंत्री होली भी सेना के बीच में कर रहा है और यहाँ से पीएम है। नहीं नहीं देखिए, सेना का मनोबल जो जो नहीं, इसमें जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उठाया, कई बार उठाया, उठाने के बाद हमेशा 2-4 देश जो है पाकिस्तान के साथ दे जाते हैं, ये मुद्दा दब जाता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे गृह मंत्री हर जगह ये प्लेटफॉर्म उठा रहे। अभी भी देखिए, कल की बात है, आज भी सुषमा स्वराज ने उठाया आतंकवादी घोषणा कर बोल की, मगर वो लोग जो है अभी पूरे सहमति के साथ ये तो बड़ा प्लेटफॉर्म में उठ रहा है और जल्दी होने वाला है आतंकवादी दोष का घोषणा होने वाला है। देखिए बिलाल से, बिलाल जी, मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने खुद पहले ही आपके मंच पे अभी अभी ये बोला था कि ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है,
दिस इज हाई टाइम कि हम लोग को रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये आतंकवाद की जो पाकिस्तानी आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। ये जिम्मेदारी पहले ले लीजिए। ये जो आप बाहर भागते हैं, कभी चाइना में जाते हैं, कभी यूएन में जाते हैं, कभी आप यूएस के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन लीजिए, ये सब की ढीली हरकतें करके आप अपनी इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके पास एक मजबूत आर्मी है, आपके पास मजबूत फोर्सेस हैं जो कैपेबल हैं, वो किसी भी टारगेट को किसी भी तरीके से वो अचीव करने में सक्षम है। आप अंडरमाइन मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात है, ये जान लीजिए कि कोई भी कंट्री, इसराइल हो, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वो आपकी मदद के लिए इस काम में नहीं आएगा अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। भगवान भी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ये हमारे लिए बचपन से पढ़ाया जाता है। और आप अपनी मदद के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं, आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते, आप एक्शन खुद नहीं लेना चाहते, आप पाकिस्तान को बोलते हैं कि आप अपने मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। क्यों पाकिस्तान एक्शन लेगा भाई मिलिटेंट्स के? आप खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं हम, यूएस से उम्मीद करते हैं कि साहब आप हमारे आतंकवाद में हमारा साथ दे दीजिए, क्या हम कैपेबल नहीं है? दूसरी बात, आपने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरी हमले के बाद पूरा मुल्क में आपने इसका क्रेडिट लिया पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल माइलेज छाती पीट पीट के बोला गया कि साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अंदर घुसकर मारा। मैं ये पूछता हूँ 2016 के बाद 2019 तक सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? क्या रीजन था? क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या आतंकवाद खत्म हो गया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? 3 साल तक आपने चुप क्यों रहे? अगर आप चाहते हैं कि हर जितने भी आर्मी जितने भी ऑपरेशंस करती है उस सबका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, तो हर एक ऑपरेशन आपने बताना था, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिसाइज नहीं करना था, या फिर इस तरह की जो हमले हुए हैं इनको भी पॉलिटिसाइज मत कीजिए, ये मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस रहने दीजिए। बिल्कुल, और ताकि चुनाव में भी उसका फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर कोई भी जो है राजनीतिक दल ना करे। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि पुलवामा में जो आतंकी घटना हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, क्या ये उसी का बदला लेने की कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से जो सेना को आदेश दिया गया, या फिर जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है? देखिए, जो अभी मोहन जी ने बात बोली उन्होंने मेरे वक्तव्य की सारी बातें बोल दी। पुलवामा के अटैक होने के बाद सरकार अब जितनी अग्रेसिव हुई है, शायद वो पीछे हो जाती जब उन्होंने उरी के अटैक के टाइम पर इस सिस्टम को करा, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं करी। बात वही है कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद अगर मैं वो सब चीजें कहूंगा तो फिर बात में ये हो जाएगा कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी अपील करता हूँ एक सभ्य नागरिक की तरह देश की सरकार को कि इस पे राजनीति ना करें वो। अगर कोई काम करते हैं उसको लाके ये ना कहें, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब ये काम हुआ, और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, ये बड़ा एक लज्जित करने वाली बात है। किस बात का ऐतिहासिक दिन है? ऐतिहासिक दिन तो रोज है इस देश के अंदर, जिस दिन काम होते हैं उस दिन ऐतिहासिक दिन है। आप इतना सा काम करते हो उसको इतना बड़ी करके अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, और फिर उस पर अगर कोई कमेंट्स करे तो उसको आप गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप शुरुआत करते हैं। देश आपसे कह रहा है आप करिए उस काम को जो आप चाहते हैं, आप करिए, क्योंकि हम आपको सरकार ने चुन के आपकी सरकार दिया है, उसको मैं करके तब्दील मत करिए। आज आप उन चीजों को करिए, अगर आपने जिन बातों को कर रहे थे, जिन आपको लेके आए थे, आज तथ्य आपके सामने है। मैं बोलता हूँ अगर इलेक्शन भी है मैं फिर भी साथ हूँ, क्योंकि देश के अंदर वो बीज जिन बीजों को आपने 2014 के अंदर बड़ा करके सत्ता हासिल करी थी, आज 2019 के मुहाने में खड़े होकर जिन क्वेश्चनों को आज आपके सामने खड़ा हुआ है और उनको आप कहीं लेना चाहते हैं, आज आपके पास वक्त है, उनको प्रूफ करिए, और प्रूफ करके डिक्लेयर मत करिए। आपकी खामोशी आपकी जवाब देगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था मेरी खामोशी मेरी जवाब देगी। तो ये व्यक्तित्व होना चाहिए प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ये नहीं है कि वो अपनी बात को करे, उनके बात को कहने के लिए हम बैठे हैं, सब बैठे हैं, पूरा देश बैठा है, उसका जनमानस बैठा है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ करा तो आज तक कहा जाता है, अगर इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े करे तो आज तक कहा जाता है, उसमें बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, पूरा जनमानस कहता है। तो मैं अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी से, आप अपने मन अपने शौर्य अपने दिमाग के साथ देश के लिए कार्य करें, आपकी प्रशंसा जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलेगी, लेकिन आप उन कदमों की तरफ बढ़िए, क्योंकि आपके कदम चाहिए, कद कद छोटा हो चाहे कदम बड़े होने चाहिए,
कदम बड़े करके कद नहीं बड़ा होता। ठीक है सर, प्रमोद बहल जी लगातार जो है बीजेपी लगातार कहते रहे कि सेना को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर हुई, जब चुनाव हुए राज्यों में यहाँ पर, तो आपने बाकायदा बैनर लगाए, होर्डिंग लगाए बड़े बड़े, और कहा गया, दावा किया गया कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने जो बड़ी कार्रवाई की उसका तुमने जो है चुनाव में भुनाने की कोशिश की है, तो फिर राजनीति कौन करता है सर? राजनीति हमेशा हमारे कांग्रेस मित्र ने करता है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था राहुल गांधी ने बोला ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, पाकिस्तान की बोली बोल रहा था, अब उसके लिए प्रूफ मांग रहा था। आज चलो आज राहुल गांधी ने एक तो सर हर चुनावी सभा में जो मुद्दा उठाया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा विधानसभा चुनाव जब हुए वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए, वो होर्डिंग लगाने का इन लोगों ने मजबूरी कर दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ है और राहुल गांधी राजनीति देखिए प्रधानमंत्री जी आज सुबह निकलते हैं कहीं जाते हैं कल की बात को करते हैं, वो राजनीति करते हैं, डिबेट वैसे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आप फिर वापस वहीं आ रहे हैं। पूरा आतंकवादी पूरी सपोर्ट दे रहा है, देश दे रहा है, सारी पार्टी दे रहे हैं, सारे रक्षा मिशन दे रहे हैं, उसके बाद आप काम करने के बाद आप हमेशा कांग्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, देश आपसे काम की उम्मीद कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगने वाले आज तो कम से कम मोदी जी के साथ खड़े क्यों ना, इसलिए जो पाकिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े करे, जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं गए, आप बिरयानी खाने गए, मानने पर मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता में रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, आपके लोग गए पाकिस्तान, यही रक्षा विशेषज्ञ बात कर रहा है, क्या जरूरत थी आपको जाने की पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान को आपने पार्लियामेंट पे बुलाया जाए और शपथ समारोह के अंदर गए थे, क्यों आप पार्लियामेंट को बिना बताए चले गए पाकिस्तान, क्यों आपने बस यात्रा शुरू कर दी? ठीक है सर, क्यों आपने प्रमोद बहल जी अगर सिद्धू गए तो प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहां पर, बाकायदा पहुंचे और वार्तालाप भी हुई थी, लेकिन क्या वाकई में हमारी सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए या हम सक्षम नहीं है कोई कदम उठाने? बिल्कुल सक्षम है, ये उनका एक जवाब का मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इससे और क्या भारतीय सेना दे रही है सर, जवान जो वहां रह गया है वो उस पे वापस लाइए, उसको मानव अधिकार से कोशिश करिए, उस पे कार्रवाई हो रहा है, खाली नहीं बैठा रह गया है, हमारे मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, गृह मंत्री विदेश मंत्री सारे लोग आज मीटिंग में इसीलिए बैठे, कार्रवाई हो रहा है, बाकी निवेदन है कांग्रेस मित्र से वो थोड़ा साथ दे और ये ऐसे राजनीति न करे, पूरा देश एक साथ है, लेकिन आप शोले लेना चाहोगे तो गलत है, ये शोले देश का है, ये आपका नहीं है। प्रमोद बहल जी ठीक है सर, मोहन जी आपको क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारे देश के जवान कब तक शहादत यूं ही देते रहेंगे? देखिए हम फौजी लोग हैं और शहादत हमारे खून में है, तो शहादत से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, शहीद होना हमारे लिए गर्व की बात है, आप वॉर डिक्लेयर कीजिए, वी आर रेडी टू फाइट, ये मैसेज कन्वे कर लीजिए, हम जिस दिन से वर्दी पहनते हैं और जिस दिन तक वर्दी उतारते हैं हर फौजी हर दिन लड़ाई के लिए तैयार है, और उसको लड़ाई के लिए जिस तरह की एक खिलाड़ी को क्रिकेट के मैदान में उतरकर गेम के जोश होता है वही जोश उस फौजी के अंदर भी होता है, या एक मैदान एक जो कोई प्लेयर मैदान में उतरता है फील्ड में हॉकी का फील्ड हो या कहीं भी हो जिस तरह का जोश उसके मन में होता है कि वो 70 मिनट्स में उसको कर कुछ कर दिखाना है, तो आप लड़ाई डिक्लेयर कीजिए, वी आर रेडी, विल प्रूव इट दैट, जो मेरे भाई प्रमोद बहल जी बोलते हैं कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद नामो निशान मिट जाएगा, अरे हमें करने तो दीजिए, आप क्यों नहीं करने देते, अरे हमने जब लाहौर तक हम पहुंच गए तभी आपने बोल दिया नहीं आप वापस चले जाइए, प्रेशर आपके पास होता है, हमने 90,000 फौजीज पकड़ लिए, आपने कहा कि नहीं साहब ये इंटरनेशनल प्रेशर है छोड़ दीजिए इनको, हाफिज सईद को हमने पकड़ लिया आपने कहा नहीं साहब इनको तो छोड़ना है कंधार ले जाके छोड़। बिल्कुल मोहन जी, सवाल यही निकल कर सामने आता है कि जितने भी राजनीतिक जो दबाव है वो फिर सेना के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और जब सेना को घर खुली छूट दे दी जाए तो हमारी भारतीय सेना जिस तरह सक्षम है यहाँ पर पाकिस्तान का सामना करने को लेकर, और जो कर्तव्य भी यहाँ पर दिखा दिया गया कि किस मिनट के इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 300 ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया, और फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही निकल कर आता है कि जिस तरह से आज बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहा अब अगला कदम क्या होगा। नमस्कार।